हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए अभिषेक स्टेक के अंदर। तो आज की जो वीडियो है दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रीलिम्स 2020 के लिए इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर अपडेट किया था टिल अप्रैल 2020 और इसमें आरबीआई और उसकी मॉनिटरी पॉलिसी के साथ जुड़े हुए करंट अफेयर हमने कुछ हद तक वर्कआउट किए थे। आज के वीडियो लेक्चर की प्रेजेंटेशन कल वाली सेम ही है, इसमें करीब 17 स्लाइड्स हमने कवर कर ली थी, तो उसके आगे वाली जो स्लाइड्स हैं वो हम वर्कआउट करेंगे। तो कल के लेक्चर का एक ब्रीफ राउंड ऑफ फटाफट से ले लेते हैं। तो हमने नंदन निलकानी पैनल की सजेशंस के बारे में वर्कआउट किया था, फिर डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा था कल के वीडियो लेक्चर के अंदर, एंड SLR, CRR और RBI के कुछ रेपो रिवर्स रेपो के साथ जुड़े हुए ऑपरेशंस जैसे कि LTRO और TLTRO के बारे में हमने डिस्कस किया था कल, और TLTRO 2.0, फिर उसकी ट्रांसमिशन, फिर RBI की टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो बेसिकली हमने कोशिश किया था कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट का जो गैप है वो बढ़ गया है उसको समझने की कोशिश की थी कि करीब 0.65% का गैप जो है या 65 बेसिस पॉइंट्स का गैप है वो बढ़ गया है, पहले ये 25 बेसिस पॉइंट्स हुआ करता था। तो यहाँ पे हमने वीडियो कल वाली खत्म की थी, तो ये अब पार्ट टू उसके आगे का कंटिन्यूशन है। आज की वीडियो के लिए जो प्रेजेंटेशन यूज हो रही है वो कल वाली सेम प्रेजेंटेशन ही है, उसका डाउनलोड लिंक आज भी दोबारा से आज की वीडियो के साथ दिया गया है, तो आप वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ चैट में लाइव रहूंगा, तो कोई भी आपके डाउट्स सजेशंस या क्वेरीज कुछ भी हो तो वो आप मुझे डायरेक्टली चैट के अंदर पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसको जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके फ्रेंड्स भी अपने नोट्स को अपडेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। ठीक, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू। सो हमने जो कल टॉपिक छोड़ा था वो यहाँ पे था, रेट्स एंड द एसोसिएटेड टर्म्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली। तो पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज पॉलिसी कॉरिडोर। सो बेसिकली इट इज द विड्थ अमंग द MSF रेपो एंड रिवर्स रेपो which presently was 25 basis points, but अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि it has been increased to 65 basis points, इसीलिए सिर्फ presentation नहीं चाहिए साथ में video lecture भी चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे जो standing deposit facility है basically ये एक news में रहा है, तो इसमें क्या होता है कि banks can park their funds in the RBI for a short term to earn interest, but इसमें एक जो different है वो ये कि इसमें कोई government securities या collateral देने की आरबीआई को जरूरत नहीं है जैसे कि इन केस ऑफ रिवर्स रेपो होता है। दिस बेसिकली हेल्प्स आरबीआई टू अब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फॉर अ शॉर्ट टर्म इन सिचुएशंस लाइक डीमोनेटाइजेशन और एनी काइंड ऑफ शॉक्स विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन दैट आर टू बी काउंटर्ड वेल। तो उर्जित पटेल कमेटी ने इसको 2013 के अंदर सजेस्ट किया था और बजट 2018 में जो आरबीआई एक्ट है उसको अमेंड करके ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो क्रिएट की गई थी विद आरबीआई। ठीक, तो एक तो हमारे पास रिवर्स रेपो का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बैंक्स अपना पैसा जो सरप्लस हो वो आरबीआई के पास रख सकते हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का है। अब जो रेट्स कम किए गए हैं वो रिवर्स रेपो रेट के किए गए हैं ना कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के, इस वजह से ये न्यूज में रहा क्योंकि एक बाईपास चैनल उनको इस बैंक्स को इसके थ्रू मिल सकता है जहां पे वो अपने फंड्स पार्क कर सकते हैं एंड स्टिल कैन कंटिन्यू टू अर्न अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वार्ड ऑफ ऑल दी you know equations where they need to put money into the economy. Khair, two-pronged approach jo humne kal discuss ki thi jiske andar ek bar dobara wapas leke jata hu jiske andar penalty ki bhi baat ki gayi hai in case banks jo hain ye paisa aage nahi dete to usme 200 basis points ki penalty ki baat jo hai wo RBI ne ki thi, so that is a consideration which the banks have to make. So this is why standing deposit facility unka rescue karega to sahi lekin itna nahi jitna hame lagta hai. Theek hai, chale इसके आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्राई पार्टी रेपो। सो व्हाट इज दिस? सो ऑर्डिनरी जो रेपो, रेपो मींस रीपर्चेज ऑप्शन, सो दिस इज लाइक अ टू पार्टी ऑपरेशन, देयर इज अ बोरोअर एंड अ लेंडर। तो रेपो में क्या होता है कि बैंक्स जो है वो बेसिकली आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं और बदले में एज अ सिक्योरिटी और कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं। अब इसमें दो ही पार्टीज इन्वॉल्व है। एक ट्राई पार्टी रेपो के अंदर ये है कि देयर विल बी अ बोरोअर लेंडर एंड अ थर्ड पार्टी एजेंट सच एज अ एनएससी और बीएससी, सच काइंड ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल इज अ थर्ड पार्टी। और इसमें थर्ड पार्टी का काम क्या है, इट विल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द टू पार्टीज टू फैसिलिटेट कोलैटरल कस्टडी पेमेंट एंड गारंटीड सेटलमेंट्स। तो बेसिकली इनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कोलैटरल है या जो सिक्योरिटी है वो थर्ड पार्टी जो है वो देगा।
तो इस तरह से इसमें काम चलता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्राईपार्टी रेपो। ठीक, अब इसके ट्राईपार्टी रेपो को लेके 2017 में आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की थी इंडिया में कैसे चल सकता है, और 2018 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2019 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इसको स्टार्ट किया गया। बट इट इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट्स मोर ऑफ अ टूल फॉर कॉर्पोरेट्स टू बोरो मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अगर इसको प्रिलिम्स के अंदर आपको सीधा सीधा पूछ ले ट्राईपार्टी रेपो, सो इट्स अ टूल एसोसिएटेड विद कैपिटल मार्केट, नॉट एसोसिएटेड विद मॉनेटरी पॉलिसी। तो बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि वर्ड रेपो इसमें आ जाता है तो हमें लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको प्रिलिम्स के लिए जरूर नोट करके जाना आपने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो मार्केट ऑपरेशंस, अगर पिछली स्लाइड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर समझ आ गया है तो प्लीज यस टाइप कीजिए अपने चैट के अंदर। ट्राईपार्टी रेपो को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मार्केट ऑपरेशंस, सो आरबीआई बहुत सारे मार्केट ऑपरेशंस करता है, तो चार बेसिक तरह के मार्केट ऑपरेशंस हैं जो आरबीआई के लेवल पे इंडिया में किए जाते हैं। पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसके बारे में तो यूपीएससी सीधे सीधे तौर पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो होता क्या है कि आरबीआई बेसिकली बायस एंड सेल्स द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल मनी सप्लाई, सो दिस इज व्हाट इज डन इन ओएमओ। दूसरा जो है दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि ये 2004 में लॉन्च किया गया था, आपने अपने क्लास नोट्स में लिख रखा है। देयर इज अ वन पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, तो उन बॉन्ड्स के थ्रू आरबीआई जो है वो सरप्लस लिक्विडिटी मार्केट से निकाल सकता है ये बॉन्ड इश्यू करके। लेकिन जितने भी बॉन्ड्स हैं इंडिया के अंदर इश्यू होते हैं उनका जो गारंटर है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सारे बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी होती है कि ये जो पैसा मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड के थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी मार्केट से सक करेगा, ये सारे का सारा पैसा जो है वो आरबीआई के पास ही रहेगा, गवर्नमेंट को अवेलेबल नहीं होगा अपने किसी भी लेवल पे यूजेज के लिए। अब एक तरह से मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू इस वजह से जो पैसा मार्केट से उठाया जाता है ये गवर्नमेंट को अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने की सिचुएशन हो जाती है और एक तरह से अननेसेसरली उसके ऊपर बर्डन क्रिएट होता है। इसी वजह से मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स और कैश मैनेजमेंट बिल, इन दो चीजों के लिए उर्जित पटेल कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि इनको बंद करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इंडिया में, अभी भी ये एज इट इज कंटिन्यूड है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेरलाइजेशन और फॉरेक्स स्वैप। सो बेसिकली ये भी करेंसी एक्सचेंज रेट के अंदर काम करता है, तो बेसिकली हमारी अगर फॉरेन एक्सचेंज का जो स्वैप हम कर सकते हैं, जैसे जापान की करेंसी के साथ इंडिया की करेंसी को स्वैप कर लिया जाए, तो इस तरह के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स जो हैं, अगर हमारी करेंसी बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है तो देयर इट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग। स्टेरलाइजेशन का भी कंसर्न इसी से है, वी टेक आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रुपी इन द मार्केट इकोनॉमी इन केस उसकी वैल्यू बहुत नीचे चली गई है, तो आरबीआई उसको पैसा जो है रुपी जो है वो निकाल सकता है और डॉलर करेंसी डाल सकता है, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। तो इस वजह से वो जो करेंसी में जो एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी है उसको सेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। सो ये 2019 में न्यूज में आया था, मैंने इसको लेके ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसका लिंक भी मैंने प्रेजेंटेशन में दिया है। अब इस पे ऑलरेडी मोर देन 1000 व्यूज हैं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अब ये बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट में बेसिक एस्पेक्ट क्या है, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इस चीज पे निर्धारित है कि वो बोरोइंग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट बोरो करता है तो उसके अंदर उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में बोरोइंग करता है तो ब्याज कम देना पड़ता है। तो आरबीआई ने बेसिकली ये किया कि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो खरीदनी शुरू की मार्केट से, और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो है वो उतनी ही वैल्यू की बेचनी शुरू की मार्केट में। तो एसेंशली उन्होंने पैसा गवर्नमेंट के पास उतना ही रहा, लेकिन उनका जो कर्ज का ब्याज देना पड़ेगा वो कम हो गया। तो ये बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट का ओवरऑल फंडा था। तो दिस इज व्हाट वाज डन इन ऑपरेशन ट्विस्ट 2019, और इसके बहुत सारे ट्रेंचेस उसके बाद भी फॉलो अप करे, बार बार इसको रिपीट किया गया। पहले 10,000 करोड़ का किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे फिर इसकी लिमिट जो है वो बढ़ाई गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम करने का इसमें कंसर्न था। और ज्यादा इसमें डीपली आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट द यूट्यूब लेक्चर ऑन ऑपरेशन ट्विस्ट गिवन बाय मी, द लिंक इज ऑलरेडी गिवन, तो वो आप देख के आपको और समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो चाहे अभी पूछ लीजिए, चाहे मेरे मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस सारी चीजों को लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस क्या है एक बार उन पे नजर मारते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सो व्हाट डू दे रेफर टू, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो प्रीलिम्स 2013 में इसको लेके क्वेश्चन आया था। तो फटाफट से अपने लाइव चैट के अंदर लिखना शुरू कीजिए कि जरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखूं कौन कौन ठीक से ध्यान से वीडियो दिख रहा था अभी तक।
ओके, आई एम श्योर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसका सही आंसर जो है वो मैं भी आपको चैट में ही दूंगा, तो वहीं पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ देम इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो ट्राई पार्टी रेपो भी ला सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टाइम, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है फटाफट से अपने चैट में दीजिए, ए बी सी या डी क्या आंसर आना चाहिए। प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके आंसर्स आई एम होपिंग कि अब तक आ गए होंगे, तो इसका भी जो आंसर है आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द चैट सेक्शन ओनली, आई एम विद यू इन द चैट लाइव। जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको लिए मैं बता देता हूं कि जो प्रेजेंटेशन है इस लेक्चर की दैट इज गिवन, उसका जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वीडियो की अगर आप देखेंगे तो वहां पे गिवन है। और भी जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो फुल कोर्स है जो ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल है वो आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर। इवन जनरल स्टडीज का भी फुल कोर्स इसमें अवेलेबल है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। इन केस आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं तो वहां से यू कैन सब्सक्राइब देम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2012। तो इसके बताइए ए बी सी डी क्या आंसर आना चाहिए। आई एम होपिंग टू लुक एट लॉट ऑफ आंसर्स बाय यू पीपल, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। सो द आंसर आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द लाइव चैट इटसेल्फ। ओके, सो ये बेसिकली अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, तो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2012, 2013, 2015 जब भी, तो ये सारे क्वेश्चंस में ना करंट अफेयर का बायस थोड़ा सा कम है और ये कंसेप्चुअल ज्यादा है अगर आप मनी सप्लाई के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वजह से आपको कंसेप्चुअल तैयारी भी इन चैप्टर्स के लिए ज्यादा करनी होती है, और करंट अफेयर्स में से जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपने पिकअप करना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार वो टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलरली, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हमारा इंडिया के अंदर एक ये मेजर कंसर्न हमेशा से रहा है कि जब आरबीआई कोई एक बेनिफिट या कोई कॉस्ट बैंक्स को देता है तो ये आगे मार्केट में स्प्रेड होना चाहिए, तभी मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमी में ठीक से इंपैक्ट आएगा। अगर कोई बेनिफिट आरबीआई बैंक को दे तो वही बेनिफिट आगे बोरोअर को पास ऑन हो, आम ग्राहक को पास ऑन हो, तभी इसका फायदा है, तभी जो मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना चाहती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आए, जिससे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो, वो ठीक से आ पाएगा, तभी मॉनेटरी पॉलिसी के दोनों गोल्स भी ठीक से अचीव हो पाएंगे, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। लेकिन 2011 से लेके एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया के अंदर जब से मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेज में आया है कि आरबीआई तो बहुत प्रोएक्टिव है लेकिन बैंक्स उसको आगे ठीक से ट्रांसमिट नहीं कर रहे। इसी वजह से अलग अलग लेवल पे बैंक आरबीआई हैज ट्राइड टाइम एंड अगेन टू मेक सर्टन चेंजेस इन द वे दैट बैंक्स फिक्स देयर लेंडिंग रेट्स। सो इसको लेके जो सबसे पहले एक मूव आया था वो ये कि आरबीआई ने एक बेस रेट सेट करना शुरू किया इंस्टेड ऑफ द बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट जो पहले चला करता था। और बेस रेट के बाद जो फिर 2016 में इंटरवेंशन आई दैट वाज एमसीएलआर, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट फॉर फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो एमसीएलआर की कैलकुलेशन आप सबने क्लास नोट्स में पढ़ रखी है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, देन सेकेंड फैक्टर इन दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लोन अकाउंट, then there is a negative carry on cash reserve ratio, and fourth, आप बताइए किसी को याद है तो चौथा aspect क्या है, tenure premium। So ten ये चारों aspects के basis पे marginal cost of fund based lending rate दिया जाता था, it was an internal reference rate। तो इस MCLR plus premium जितना भी bank charge करना चाहता है उस हिसाब से वो अपने लेंडिंग रेट रखा रखते थे। तो 2016 से लेके 2019 तक कैसे चला, लेकिन अक्टूबर 2019 के अंदर एक फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आरबीआई ने इसको देके दे दिया, क्योंकि बैंक्स अभी भी नहीं सुधर रहे थे, वो अपना प्रीमियम ज्यादा बढ़ा के कभी कुछ करके अपना जो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो रोक ही देते थे। सो बेसिकली आरबीआई केम अप विद दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क नॉर्म, तो अक्टूबर 2019 में ये दिया गया, उसमें ये बोला गया दैट द बैंक्स मस्ट, नाउ दैट इट इज नॉट शुड इट इज मस्ट, ओके, सो द बैंक्स मस्ट लिंक देयर लोन इंटरेस्ट रेट्स विद एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस whatever is the spread plus whatever is the risk premium system. So this is the new system that they have generated. So internal reference rate of banks खुद का नहीं बनाएंगे, अपनी costs खुद नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा external benchmark लेना है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि transmission monetary policy की जो है वो सुधर जाए। तो basically RBI का repo rate
91 डे ट्रेजरी बिल का यील्ड, 182 डे ट्रेजरी बिल का यील्ड, या किसी भी और फाइनेंशियल बेंचमार्क का जिसको फाइनेंशियल बेंचमार्क्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश करे, इन चार में से कोई एक एक्सटर्नल बेंचमार्क चूज किया जा सकता है ऊपर के सिस्टम को फॉलो करने के लिए, ठीक। एंड बैंक्स मस्ट फीड द लेटेस्ट डेटा ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क इन द अबव फॉर्मूला एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ्स। सो दैट हैज बिन द मेजर इनिशिएटिव दैट हैज बिन पुट अप बाय आरबीआई टू इंश्योर दैट देर इज ट्रांसमिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया बैंक्स वालों को, लेकिन फिर भी सुधरने की जरूरत है। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे वीडियो के अंदर कि क्रेडिट जो है इनके पास सफिशियंट लिक्विडिटी होते हुए भी डाउन द लाइन फ्लो नहीं कर रहा है, चाहे रेट्स अब कम हो जाएंगे डेफिनेटली बिकॉज एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग है, बट स्टिल इसको आगे जाके देखना पड़ेगा कि बैंक्स एक्चुअल में एक क्रेडिट लाइन सेट कर पाते हैं या कुछ आरबीआई को और इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज अपने चैट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज यस लिख के बताइए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए सो अब एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग के अंदर कुछ और बेसिक एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हैं जो अभी लेटली अप्रैल 2020 में अपडेट किए गए हैं बाय आरबीआई। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी, और आप अपने नोट्स में भी इसको अपडेट कर लीजिए। सो दैट इज कि ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग है, इट इज एप्लीकेबल ऑन न्यू लोन्स नॉट ओल्ड लोन्स, ओके। सो इट इज न्यू लोन्स गिवन टू पर्सनल लोन्स टेकन फॉर एनी सडन इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, रिटेल लोन्स ऑन होम व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ध्यान दीजिए मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है वहां पे। फोर्थ कैटेगरी है लोन्स टू मीडियम एंटरप्राइजेस, ये कैटेगरी जो है दिस वाज एडेड ऑन 1 अप्रैल 2020, दिस वाज द मिसिंग कैटेगरी व्हेन दिस वाज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2019, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एमएसएमई, रिटेल लोन्स और पर्सनल लोन, अगर ओवरऑल देखें तो 3 कैटेगरीज भी बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग। ऑलराइट नेक्स्ट, सो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज द समरी ऑफ व्हाट एवर आरबीआई हैज डन विद रिस्पेक्ट टू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर रिस्पॉन्सेज विद रिस्पेक्ट टू द पैंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज कोविड-19, और जिसकी वजह से हम सब लॉकडाउन में हैं। पंजाब ने अब अनाउंस किया है आज की कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी, 3 मई ऑनवर्ड आप 7 बजे से लेके 11 बजे तक थोड़ा इधर उधर जा सकते हैं, फिर उसके बाद 11 बजे से फिर आप कर्फ्यू में भी हैं। देखते हैं हमारी क्लासेस कैसे होती हैं या कैसे आगे सिस्टम चलता है। टिल देन दिस टीम अभिमन्यु इज विद यू, आप अपने सारे नोट्स अपडेट करते रहिए। वी आर डूइंग ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम होम व्हाट एवर देयर आर पॉसिबल, ताकि आप अपने जब भी प्रीलिम्स हो तो आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फॉर बैंक्स आरबीआई ने क्या क्या किया है, सबसे पहले उस पर एक नजर मार लेते हैं। सो सबसे पहले है चीपर कैश। सो बेसिकली चीप लिक्विडिटी इज मेड अवेलेबल टू द बैंक्स थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय आरबीआई। एक एक करके इन स्टेप्स पे जरा नजर मार लेते हैं। कई बार प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सीधे तौर पे भी ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन रिसेंटली टेकन बाय आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू ए रिस्पॉन्स फॉर कोविड-19 एट द मॉनिटरी पॉलिसी लेवल। तो इनमें से जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट डाल के वो क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी आरबीआई कर सकता है, सॉरी यूपीएससी कर सकता है, सो दैट क्वेश्चन बिकम्स रेलेवेंट, ओके। चलिए सो देखते हैं सबसे पहला उन्होंने क्या किया। ऑन फेब्रुअरी 6th इट वाज अनाउंस्ड दैट द बैंक्स डोंट नीड टू सेट असाइड कैश रिजर्व्स फॉर लोन्स गिवन टू स्मॉल बिजनेसेस बिटवीन 31st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ जुलाई और फॉर क्रेडिट टू हेल्प कंज्यूमर्स बाय अ कार और अ होम। थोड़ा रिलैक्सेशन शुरू में देना शुरू कर दिया था, अभी यहाँ पे कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है, बट दिस इज व्हेन इट स्टार्टेड। देन पॉलिसी लेंडिंग रेट दैट इज द रीपर्चेज रेट जो है दैट इज रेपो रेट was cut by 75 basis points in a single move this year. However, the effective deposit rate has been slashed by 115 basis points to discourage lenders from playing safe and parking their cash with the RBI. So basically, reverse repo rate jo hai, usko bhi kam kiya gaya by 115 basis points aur repo rate ko kam kiya gaya by 75 basis points. So basically, jo corridor tha, wo bhi expand ho gaya. ठीक है, तो पहले वो सिर्फ 25 basis points का corridor हुआ करता था, अभी ये इनके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो 40 बेसिस पॉइंट्स का गैप है इनकी जो वेरिएशन है उसके अंदर। आमतौर पे इनकी वेरिएशन सेम होती थी, तो
तो अब ये बेसिकली 25 प्लस 40 दैट इज 65 बेसिस पॉइंट्स का दोनों के बीच में कॉरिडोर है, जैसे हमने कल की वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। देन सीआरआर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3% फ्रॉम 4%। तो बेसिकली जो भी एनडीटीएल है, कहने का मतलब आज अगर आपके अकाउंट में आप 100 रुपया जमा कराते हैं तो दैट इज द एनडीटीएल फॉर द बैंक, वो डिमांड लायबिलिटी है, तो उसका 3% ही अब आरबीआई के पास इन बैंकों को रखना पड़ेगा, मतलब 3 रुपए रखने पड़ेंगे। पहले हर 100 रुपए के पीछे 4 रुपए आरबीआई के पास जमा कराने पड़ते थे, तो ये थोड़ा सा उनके पास अब जो मनी की अवेलेबिलिटी है बैंक्स में उससे बढ़ेगी, तो इस वजह से बैंक्स और ज्यादा लेंड कर पाएंगे। देखते हैं करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इट हैज बिन लोअर्ड टू 80% फ्रॉम 100%। तो जो बैंक्स हैं उनको अपना जितना भी रिस्क होता है उसकी एक कवरेज रेशियो मेंटेन करके चलनी पड़ती है, तो अब वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, तो एक तरह से प्रूडेंशियल नॉर्म्स में भी रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लोन फ्रीज। सो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज स्टॉप द क्लॉक ऑन लोन रिपेमेंट्स। जो आपकी ईएमआईज हैं वो 3 महीने के लिए फ्रीज कर दी गई हैं, कि कोई बात नहीं, आप इस पे बाद में इनको शुरू कर लेना, अभी 3 महीने ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको लगता रहेगा, तो आगे जाके वो इंटरेस्ट आपका एक्युमुलेट होगा इनटू योर लोन प्रिंसिपल। तो लेट्स से आपके लोन अकाउंट के ऊपर 4,000 रुपए का जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर आज इंटरेस्ट लग रहा है, तो 4, 8 और 12, तो ये 12,000 जो है ये आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा जो भी लोन अकाउंट होगा, तो वो जो फिर उसके आगे की ईएमआई बनेगी वो उस हिसाब से बनेगी, या फिर आप पुरानी जो ईएमआई चलती आ रही है उसी को एक्स्ट्रा देके आप काम कर लेंगे, तो वो कैसे होगा वो सिस्टम अभी बनना है। अभी तो ये भी नहीं पता कि ये 3 महीने से आगे इसको एक्सटेंशन ही शायद करना पड़े, हो सकता है इसको 6 महीने तक लेके जाना पड़े, दैट इज येट टू बी सीन, ठीक है। आगे है रेगुलेटरी डेफरेंस। सो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस हैव बीन डिलेड, सो रूल्स व्हिच आर रिक्वायरिंग बैंक्स टू फंड देयर एक्टिविटीज थ्रू स्टेबल सोर्सेज हैव आल्सो बीन डिफर्ड टू अक्टूबर 1 फ्रॉम अप्रैल 1। तो आप देखिए कि जो ईएमआई है उस पे तो मॉरेटोरियम लगाया गया है फॉर 3 मंथ्स पीरियड, तो वो बेसिकली था अप्रैल, मई और जून तक का, तो 1 जून से ईएमआई स्टार्ट होनी थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रावधान अक्टूबर 1 का है, तो सिंपली गवर्नमेंट रेडी है कि इसको आगे भी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ऐसे ही चल सकता है, तो हो सकता है आपको जून, जुलाई, अगस्त की भी ईएमआई ना भरनी पड़े और गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करे, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 3 मई के आसपास ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो स्पेशल विंडोज, जैसे हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, TLTRO 1.0 एंड TLTRO 2.0। तो TLTRO स्टार्ट्स फॉर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यस। सो टारगेटेड इसमें इस वजह से है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और TLTRO 1.0 के अंदर जो टारगेट था दैट वाज ₹1 लाख करोड़ बीइंग गिवन टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ओनली, और TLTRO 2.0 के अंदर जो टारगेट है वो NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। तो ये मैच द फॉलोइंग के लेवल पे क्वेश्चन जो है आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, स्पेशल रीफाइनेंस टू अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो पैन इंडिया फाइनेंसेस लाइक सिडबी, नबार्ड एंड नेशनल हाउसिंग बैंक, इनको दिया है ताकि ये रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर को एक अफोर्डेबल फंडिंग दे पाए। फिर म्यूचुअल फंड्स को अलग से क्रेडिट लाइन जो है वो दी गई है फॉर 50,000 करोड़ रुपीज, सो दैट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव दिस क्राइसिस, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो हायर प्रोविजनिंग नॉर्म्स। सो बैंक्स हैव बीन ऑर्डर टू मेंटेन अ हायर प्रोविजन ऑफ 10% ऑन ऑल फ्रोजन लोन स्प्रेड्स ओवर जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून क्वार्टर्स, व्हिच कैन बी एडजस्टेड लेटर अगेंस्ट एक्चुअल स्लिपेजेस। अब एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मार्केट में हाई है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस पर्टिकुलर क्राइसिस के चलते बेरोजगार हो जाएंगे, और हो सकता है वो अपने लोन के अकाउंट जो है उनकी ईएमआई फर्निश ना कर पाए, तो ऐसे में बैंकों को ऑलरेडी तैयार रहने के लिए बोला गया है, दे हैव बीन क्रिएटिंग अ हायर प्रोविजनिंग नॉर्म। आज आरटीआई के माध्यम से एक खुलासा और हुआ है कि जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या, इनका करीब बहुत बड़ा एक लोन अमाउंट जो है वो आरबीआई ने बैंकों के थ्रू राइट ऑफ कर दिया है ऑलरेडी। सो वट एवर द केसेस हैव बीन, तो हम ऑलरेडी राइट ऑफ करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तरह से ये टैक्स पेयर्स मनी है जो बिजनेसमैन के पॉकेट में एंड अप कर जाता है, तो अगर आगे जाके आम जनता, मिडिल क्लास के भी इस तरह से लोन डिफॉल्ट होते हैं, तो उनकी भी हेल्प आरबीआई या बैंकिंग सेक्टर को इस तरह से करनी चाहिए, ये मेरी सोच है। आगे बैंक्स देखो क्या करते हैं, वो तो देखने वाली बात है। चलिए, डिविडेंड्स हॉल्टेड। सो बैंक्स कैन पे डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31। दैट मीन्स बेसिकली अगर उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, तो जो 31 मार्च को ईयर एंडिंग है तो वो
बैंक्स जो है आउटराइट डिविडेंड कैपिटल जो है उसको पे आउट नहीं करेंगे और अपनी कैपिटल को कंजर्व कराएंगे, और इसके ऊपर इसको पे आउट करना है या नहीं फर्दर डिसीजन सितंबर 30 को लिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक गवर्नमेंट ये सोच रही है कि थोड़ी बहुत क्राइसिस जो है वो हम वार्ड ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो गवर्नमेंट के लेवल पे सितंबर से पहले कुछ ऐसी अटकलें नहीं लगाई जा रही कि ये सारी जो क्राइसिस है ये ओवर होगी, हमारा सिस्टम जो है वो सितंबर तक रेडी है इन सब चीजों से डील करने के लिए ऑलरेडी। आगे की जो स्ट्रेटजी है वो उसके बाद ही बनेगी। अब सितंबर 30th तक तो गवर्नमेंट ऑलरेडी सेट है। अगर आप न्यूज सुन रहे हैं तो आपको पता है कि कॉलेजेस, स्कूल्स ये सारे जो हैं ये भी अब सितंबर के बाद ही खुलने की बात हो रही है। सीबीएसई का एक ट्रिब्यून में ऑलरेडी न्यूज आ चुका है, दे आर प्रिपेयरिंग दैट देयर स्कूल्स विल बी ओपनिंग समवेयर अराउंड एंड ऑफ सितंबर और समथिंग लाइक दिस। सो टिल देन दे हैव मेड अ डिसीजन टू डिले इट। और बहुत सारा जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो अब ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने वाला है। सो न्यूज इज ऑलरेडी सेट फॉर डिलीवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन टू यू इन द ऑनलाइन मोड, यू आर ऑलरेडी रिसीविंग इट। सो होपफुली ये सिस्टम्स दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएं, नहीं भी होते हैं तो हमें उनके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, सोवरेन बॉन्ड्स एंड रुपी। तो इसको लेके बहुत सारी चीजें न्यूज में आई हैं और इनको लेके आरबीआई ने क्या एफर्ट्स किए हैं इन द कोविड-19 सिचुएशन। सो बेसिकली पहली बात जो है दैट आरबीआई हैज बीन इंजेक्टिंग एडिशनल लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम टू कीप डाउन बॉन्ड यील्ड्स। सेकंड, इनवाइटिंग फॉरेनर्स। सो इंडिया ओपनड अप अ वाइड स्वैथ ऑफ इट्स सोवरेन बॉन्ड मार्केट टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, टेकिंग इट्स बिगेस्ट स्टेप येट टू सिक्योर एक्सेस टू ग्लोबल इंडिसेस एज द गवर्नमेंट एम्बार्क्स ऑन द रिकॉर्ड बोरोइंग प्लान। सो बेसिकली गवर्नमेंट को भी अब बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी इस क्राइसिस से डील करने के लिए, तो फॉरन इन्वेस्टमेंट्स चाहे वो इंटरनेशनल बैंक से हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो, NDB हो, इन सब से वो पैसा लेने की अब तैयारी में है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अपने सोवरेन बॉन्ड्स खोल दिए हैं। अब दिस इज ऑल्सो अ वे फॉरवर्ड टू मेंटेन योर रुपी, मेंटेन लिक्विडिटी इन द सिस्टम, मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम इन द सिस्टम। तीसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज लिमिट बोरोइंग, दैट इज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए फिस्कल फर्स्ट हाफ बोरोइंग नंबर दैट्स लोअर देन व्हाट ट्रेडर्स एक्सपेक्टेड as it seeks to check any rise in yields amid a global risk aversion that sparked outflow from the emerging markets. Basically, इसका मतलब क्या है कि जब भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक borrowing spree पे चला जाता है तो इससे जो foreign direct investment या foreign portfolio investment हमारी economy में आना होता है वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये जो economy है अब unstable हो गया है तो इसमें अब पैसा रखा जाए या ना रखा जाए। तो इस वजह से अब जो है गवर्नमेंट ने कम बोरोइंग किया है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो अब आगे जाके धीरे धीरे इसको बोरोइंग को अलग अलग तरीकों से बढ़ाया जाएगा, नॉट दैट कि सीधा सीधा मार्केट से बोरोइंग करना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो तो ये हुआ कि आरबीआई एक तरफ से लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट ही बोरो करके उस लिक्विडिटी को खर्च कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ वेरी यू नो इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग इट। उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में हमेशा लिमिटेशन रह जाती है। गवर्नमेंट ज्यादातर ध्यान जो है वो एक एड के लेवल पे ही सेट कर पाता है और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन लाइंस इतनी ठीक से नहीं चल पाती। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर है उसको हमेशा डर लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर को, कि ये जो बोरोइंग गवर्नमेंट के थ्रू ज्यादा ज्यादा की जा रही है इसका कुछ ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो अपने जो फंड्स हैं लेके बाहर जाने की कोशिश ज्यादा करते हैं इंडिया में रहने की बजाय, ठीक है। और मोर ओवर उनको लगता नहीं कि फिर ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सिनेरियो है, बिकॉज जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आउटकास्ट भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको लिमिट बोरोइंग्स को आपने देखना है। नेक्स्ट, इट्स मोर डॉलर्स। सो आरबीआई प्लेज टू इंजेक्ट डॉलर्स थ्रू डॉलर रुपी स्वैप्स। सो बेसिकली $2 billion के दो स्वैप्स जो लाइंस हैं वो ऑलरेडी सेट की जा चुकी हैं, एंड आगे का जो $2.7 billion का जो स्वैप लाइन है वो और क्रिएट किया जा रहा है। तो इससे बेसिकली कंसर्न ये होता है करेंसी स्वैप के अंदर की जो रुपी की जो एक्सचेंज रेट वैल्यू है वो सेटल्ड रहे, बहुत ज्यादा वो गिर ना जाए, ठीक है। देन शॉर्टर ट्रेडिंग आवर्स। और जो करेंसी स्वैप्स उसको लेके मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फ्लोटिंग तो है लेकिन उसको हम डर्ट फ्लोट बोलते हैं। डर्ट फ्लोट बोलने का मतलब क्या होता है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब करेंसी के फॉल या अनटूवर्ड राइज को चेक करने के लिए आरबीआई जो है वो मार्केट के अंदर इंटरवेंशन कर सकता है एक्सचेंज रेट के अंदर बाय सेलिंग और बाइंग ऑफ करेंसी, वेदर इट इज फोरेक्स, वेदर इट इज इंडियन करेंसी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डर्ट फ्लोट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम दैट वी हैव इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, सो शॉर्टर ट्रेडिंग आवर्स। सो हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनको भी स्टेबल रखना है, तो इस वजह से
उनके अंदर भी जो ट्रेडिंग आवर्स है उनको लिमिट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ये प्रमोट करेगा, हालांकि ज्यादातर ट्रेडिंग तो आजकल ऑनलाइन ही है, सो दैट इज 10 AM to 2 PM इन मुंबई, ओके, नॉर्मली इट इज 9 to 5। आगे चलते हैं, आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई होगी, अपने नोट्स में इसको डेफिनेटली अपडेट कर लेना है इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। और आगे जो है दैट इज फॉर कैपिटल मार्केट्स, क्या पर्टिकुलर किया गया है अभी तक जो मैंने बताया, अगर वो समझ आ गया है तो ठीक है, यस लिख दीजिए, अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज अपने डाउट जरूर बताइए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अभी जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद होना चाहिए, उनके डाउट्स आपके साथ रिजॉल्व होने चाहिए। जो बाद में देखेंगे वो मुझे मेरी ईमेल आईडी abhishek@abhimanyu.com पे अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, नथिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू। चलिए, सो कैपिटल मार्केट्स देखते हैं। सो बेसिकली आरबीआई की यहाँ पे क्या इंटरवेंशन है, सो इट अलाउज कंपनीज एडिशनल 45 डेज फॉर डिक्लेयरिंग देयर क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स एंड हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट्स बाय अ मंथ। सो कंपनी बोर्ड्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू मीटिंग्स। तो बेसिकली अलग अलग लेवल पे इंटरवेंशन की जा रही हैं ताकि हम जो प्रेजेंट क्वारंटीन है, लॉकडाउन है, उसको फॉलोअप कर पाए। नेक्स्ट, ट्रेडिंग मार्जिन्स इन स्टॉक्स हैव इंक्रीज्ड एंड मार्केट वाइड पोजीशन रिड्यूस्ड टू ईज वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स। देन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर REITs एंड इन्विट्स। तो बेसिकली दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ओके, एंड देयर हैज बीन एन एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। टाइमलाइन फॉर फाइलिंग डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूज हैव बीन एक्सटेंडेड। सो बेसिकली एक तरह से टाइम लैग जो है वो अलाउ किया गया है ताकि जितने भी कैपिटल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना जो क्राइटेरिया है, जो पेपर सबमिट करने हैं या जो ट्रेडिंग करनी है या जो वैल्यूएशन करनी है वो थोड़ी देर बाद भी कर पाए, ताकि अब जब हम क्वारंटीन मोड में हैं तो सारे जो हैं वो लॉकडाउन में ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज रेज्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ डिफॉल्ट्स नीडेड टू ट्रिगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स टू 1 crore rupees फ्रॉम ₹1 lakh। सो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में भी एक चेंज किया गया है कि अगर डिफॉल्ट किसी को बोलना है तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स 1 crore के बाद शुरू होंगी, 1 lakh पे नहीं। देन कैपिटल और डेट मार्केट सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लॉकडाउन एंड दे कैन कंटिन्यू टू फंक्शन बेसिकली बिकॉज दे आर मोस्टली ऑनलाइन। देन इट हैज अलाउड 100 टॉप लिस्टेड कंपनीज अनदर मंथ टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। तो आमतौर पर उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस रिलैक्सेशन हैज कम इन। Then shareholders have been allowed 45 more days to disclose their consolidated shareholding in the companies for financial year ending March 31. So basically they'll get more time limit. Relax the recognition of default by local credit rating companies. Okay. Then ease the rules of fast track rights issue and also extended the validity of its observation on public issues by 6 months from the date of expiry to help companies raise funds amidst coronavirus epidemic. Okay. Now a pandemic. Then, for states and wider economy. So, ये तो capital market के लिए क्या-क्या initiatives लिए वो हमने देख लिए, बहुत ज़्यादा technical है, जहाँ पे ज़्यादा technicalities नज़र आएं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका जो paper है वो general study है, सामान्य अध्ययन, PhD नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, so जितना समझ आ रहा है आपके notes के साथ compliance में है, बस उतना ध्यान रखना है, जो समझ नहीं आ रहा है 20% cramming पे ध्यान देना। आपकी जो overall UPSC का attempt है ना, उसमें ये rule हमेशा follow up करना है, 80% you must understand, but 20% you should cram also, ठीक है? तो उससे आपकी life थोड़ी easy हो जाती है, हर चीज़ understand करने लगेंगे, तो you will be on this side of the video lecture, which is not an easy task. Okay, now for states and wider economy, what all has been given by RBI? So exports के लिए, what has been done is that the time period for realization and repatriation of export proceeds for shipments before July 31 has been extended to 15 months to provide greater flexibility to exporters in negotiating future export contracts with buyers abroad. ठीक, तो बहुत ज़्यादा लंबी relaxation यहाँ पे मिल गई है. Then states borrowing. So state administrations have been permitted to borrow as much as half of their annual targets for the year starting April 1 whenever they choose. In a typical year, strict rules would govern this timetable, which would include cash transfers from federal government that are now under threat as the lockdown erodes revenue. Okay. Then next aspect. RBI has also decided to increase the ways and means accounting limit. So remember, this was in 1997 that this ways and means accounting system was provided, जिसमें government की जितनी भी treasury bills
आरबी के पास जमा होंगे उसका 75% इन टर्म्स ऑफ कैश जो है वो गवर्नमेंट को अवेलेबल कराया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो शॉर्ट टर्म फंडिंग है 10 दिन के लिए अवेलेबल होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को 15 दिन के लिए अवेलेबल होती है। सो दैट वाज द डब्ल्यूएमए सिस्टम। अब इसमें क्या है, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग कैप है बाय 60% फॉर ऑल स्टेट्स टू इनेबल देम टू टाइड ओवर द सिचुएशन। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म फंडिंग कैप है उसको बढ़ाया गया है। पहले इन स्टेट गवर्नमेंट्स को इतना पैसा नहीं मिलता था, इनको 50% मिलता था, अब इसको बढ़ा के 60% कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने ट्रेजरी बिल जमा है उसका 75% मिलता था, स्टेट गवर्नमेंट्स को 50% मिलता था, तो 10% इंक्रीज उसमें किया गया है। देन द रिवाइज लिमिट हैज कम इन केम इनटू इफेक्ट ऑन इन अप्रैल एंड विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने के लिए WMA के अंदर ये चेंज किया गया है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैश विल बी अवेलेबल। WMA को आप एक तरह से क्रेडिट कार्ड के तौर पे समझ सकते हैं। तो 10 दिन के लिए ये क्रेडिट कार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है और 14 दिन के लिए क्रेडिट कार्ड जो है ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन इट इजेस द स्टेट्स ओवरड्राफ्ट रूल्स थ्रू September 30 टू हैंडल कैश फ्लो। तो देखिए मैंने फिर से कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो सेप्टेम्बर एंड तक इस चीज को लेकर रेडी है, ऑलरेडी उनका प्लान सेट है। सो आपको भी उस तरह से रेडी रहना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन। अब आई होप अब तक की जो चीजें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो अभी भी आप अपनी चैट के अंदर मुझे बता सकते हैं, आई एम स्टिल लाइव विद यू। ठीक है। और अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं जो आप डिटेल में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन ईमेल देम टू मी एट abhishek@abhmanyu.com और यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल IAS_PCS_HCS। लिंक्स ऑफ बोथ्स आर गिवन इन दिस प्रेजेंटेशन। कल का जो लेक्चर हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, दैट विल बी ऑन एक्सटर्नल सेक्टर रिलेटेड करंट अफेयर्स टिल अप्रैल 2020। तो उसमें बहुत ध्यान से आपने पार्टिसिपेट करना है, सब लोगों ने जो ये वीडियोस देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको मैक्सिमम शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए, अपने सारे नोट्स वो अपडेट कर लें। ओके, हेल्प एवरीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीबडी इज इन द लॉकडाउन सिचुएशन। बहुत सारे लोगों के पास शायद ये अभी इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो कि ये वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। तो इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ टू मेक दीज वीडियो लेक्चर्स लिंक्स अवेलेबल टू देम, उनके साथ मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, चाहे वो अभिमन्यु स्टूडेंट्स हैं चाहे वो नॉन अभिमन्यु स्टूडेंट्स हैं। इन एनी केस वी ऑल UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आर इन दिस टाइट टुगेदर। ओके, एंड होप यू ऑल सिक्योर अ गुड फ्यूचर विद इन सिविल सर्विसेज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।